कि हमारा समाज आज जाग उठा है, जाग उठा है समाज। हर गट में पटा था ये समाज, लोग भूल जाते हैं कि कितनी भी शाखाएं आ जाए मगर उसकी जड़ है बाबा साहब अम्बेडकर। सभी को एक ही जगह आना है, वो कहीं से भी भटक जाए, किसी के भी बहकाव में आ जाए, मगर सबका बाप है बाबा साहब अम्बेडकर और उसी के शरण में सबको आना है। भूल जाते हैं, कहीं भटक जाते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, लालच में पड़ जाते हैं। इतने सालों से जी रहे हैं हम लोग, जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं, जानवरों की, इंसान का खाना खाते हैं, जानवरों की जिंदगी जी रहे हैं। इसका इसकी वजह यह है कि हमारे में एकता नहीं है। सबसे बड़ी वजह इसकी यह है कि हमारे में एकता नहीं है। हम दूसरे की बात सुनते नहीं, हम एक दूसरे के विचार लेके चलते नहीं, इसलिए हम सबसे पीछे हैं। आज बुद्धि भर लोग हमारे आगे निकल गए, वो हमारे को अपने लोगों को शासन में रख रहे हैं और आज हम उनकी गुलामी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं तो हमको इसकी जानकारी नहीं है कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं। बुद्धिस्ट लॉ की नींव कई सदियों पहले रखी गई है, कई सदियों पहले बुद्धिस्ट लॉ की नींव रखी गई है, मगर इसकी सोच आज तक किसी नेता ने या किसी लीडर ने नहीं की, क्योंकि उनको जरूरत नहीं पड़ी, उनको जरूरत नहीं पड़ी, वो जरूरत समझे नहीं। चल रहा है, निभ रहा है, मिल रहा है, खा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बस इसी में इतनी दुनिया है उनकी। एक मेंढक कुएं में रहता है और उसको लगता है इतनी मेरी दुनिया है, ऐसा अपने लोगों ने सोच के आज इस हालत में हम लोग पहुंच गए हैं कि हमारा हक मांगने के लिए हमको इस तादाद में खड़ा होना है। ये जो सैलाब यहाँ पे उमड़ा है, इस सभी को सैल्यूट मेरा कि आज तुम लोगों ने ताकत दिखाई है और खैरे साहब को जो आपने हिम्मत बढ़ाई है, हम चाहते हैं कि इससे भी बड़ी हिम्मत हो, इससे भी बड़ी ताकत हो। आज बुद्धिस्ट लॉ एक अकेले खैरे साहब का हक नहीं है, उनकी लड़ाई हम सब के लिए है, हम सब के लिए है। ये लॉ आज हमारी जरूरत है, आने वाले पीढ़ी की जरूरत है। आज हम बच्चों को सिखाएंगे, घर घर से अपने बच्चों को निकालो, आज युवा पीढ़ी की जरूरत है। बुजुर्गों का जमाना निकल गया, अब युवा पीढ़ी की जरूरत है। ये आज जो बुजुर्ग समाज है, जो तुम लोगों को आज उपहार के रूप में दे रहा है, उसको लो, उसको सीखो, समझो। शेरों का जमाना होता है, शेरों का जमाना होता है, मोहल्ले लोगों के होते हैं, तो हमारा जमाना आना चाहिए। हमारा क्या आना चाहिए? हमारा जमाना आना चाहिए, लोगों के मोहल्ले होने चाहिए। सरकार को ये चेतावनी है कि बुद्धिस्ट लॉ तो हम लेके रहेंगे, किसी भी दम पर, किसी भी ताकत पर हमको लेना है। लेना है ना? लेना है, बोलो बुद्धिस्ट लॉ, बुद्धिस्ट लॉ। हम सबको जागना है, घर घर से सब लोग को निकलना है, हमारे साथ लोगों को लेके चलना है, पीछे नहीं साथ में लेके चलना है। तब ये लॉ मिलेगा, तब कायदा मिलेगा, आज जीने का हक मिलेगा। आज मैं इस मंच पे आप लोगों के सामने दो शब्द जो बोल रही हूँ, वो बाबा साहब की मेहरबानी है। आज हम पढ़ते नहीं, लिखते नहीं, संगठन में नहीं, तो ये बात होती नहीं कि हम मंच पे खड़े होकर इतने हजारों लोगों के सामने मैं दो शब्द अपने बोल पाती हूँ। और आप लोगों का साथ मरते दम तक होना चाहिए, तभी हम लोग शान से और सर ऊपर करके जी सकते हैं। बाबा साहब ने हमको हर चीज का अधिकार दिया है, मगर वो सब अधिकार कहीं किसी लोगों ने दबा के रखा है, और जब तक हम सर उठाएंगे नहीं तो सर उठा के जी नहीं सकते। जीते तो जानवर भी है, जीते तो जानवर भी है, उनको कोई जरूरत नहीं इन सब चीजों की। हम इंसान हैं, हमें जरूरत है इन सब चीजों की। तो लड़ेंगे कौन? लड़ेगा कौन? लड़ेगा कौन? आप सबको मुकुंद खैरे साहब का साथ देना है, उनके कदम से कदम मिला के चलना है। हमारे खून में, हमारे नस नस में बाबा साहब है, और बाबा साहब के हम पाइक है सब लोग। बाबा साहब के नाम पे लोग कहाँ कहाँ नहीं झुकाते, चलो बाबा साहब का आंदोलन है, चले ले, क्यों? तो बाबा साहब है वहाँ पे। पर ये कोई नहीं सोचता कि ये सही बात है या गलत बात है, मगर
और मुकुंद खैरे साहब जैसे कोहिनूर हमारे देश में है, आप उन लोगों का साथ दो, हम लोगों का साथ दो, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहिए। कायदा कैसे नहीं मिलता तो हम देखेंगे।